वेलकम टू एटम क्लासेज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉलिबिलिटी के बारे में बताया था, सॉलिबिलिटी विलेयता। इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, पहला। दूसरा था सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, इसे बोलते थे हेनरी लॉ। आज हमें पढ़ाना था तीसरा, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, आज हमें इसके बारे में पढ़ना है, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, और इसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ। गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, इसे हेनरी लॉ बोलते थे। हेनरी ने दिया था, डिफाइन किया था लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड को, राउल्ट्स ने दिया था, इसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो हमें आज पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ पढ़ने के पहले हमें दो तीन टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें पहले जानना पड़ेगा। जैसे पहला एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्म आता है जिसे कहते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन क्या होता है, जब जो मिक्सचर में कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कितने हों, दो कंपोनेंट हों। अगर दो कंपोनेंट्स मिलकर मिक्सचर बना है और मिक्सचर कैसा होमोजेनस मिक्सचर है, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर देखिए क्या होता है, यहाँ कोई लिक्विड है, अब इसे गर्म करते हैं, गर्म करने पे ये वेपर फेज में बनाएगा, वेपर बनाएगा यहाँ पे, तो वेपर के कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गए। अब ये वेपर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे हर दीवार पे, ऊपर कैप पे और नीचे ये लिक्विड के सरफेस पे, मतलब ये चारों तरफ इसमें प्रेशर लगाएंगे। अब ये प्रेशर जो है वेपर लगा रहा है, और इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का डिफिनेशन हो सकता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किसी भी द्रव का वेपर, या सिंपल वेपर बोल सकते हैं कि वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, इसे हिंदी में वाष्प दाब कहते हैं, वाष्प दाब। तो वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो हमें दो टर्म जानने थे, एक टर्म्स और हैं जिसे वो ही बता देते हैं। यहाँ पर तीसरा वर्ड आता है वोलेटाइल वाष्पशील। तो ऐसा पदार्थ जो लिक्विड से वाष्प में बदल जाए, ऐसा पदार्थ जो वाष्प में बदल जाए उसको बोलते हैं वाष्पशील पदार्थ या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस। हमें यहाँ पर लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसकी सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो हमें इसमें दोनों जो लिक्विड होंगे, बाइनरी सोल्यूशन है तो दो लिक्विड लेंगे, तो दोनों लिक्विड लेंगे बाइनरी सोल्यूशन हो गया। दोनों सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, दोनों लिक्विड कैसा होना चाहिए, दोनों लिक्विड वोलेटाइल होना चाहिए, दोनों में वेपराइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें जानना है। अब हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं, तो यहाँ बताते हैं। जैसे यहाँ पर दो लिक्विड है ए प्लस बी, ठीक है, ए अभी लिक्विड है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें ए का ये हो गया और बी का एक्स बी, दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। दोनों क्या कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं यहाँ पर, ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों के कारण एक वेपर प्रेशर जनरेट होगा, ए का भी और बी का भी। अब पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है जो इस पर बेस्ड है। तो राउल्ट्स वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है. तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो अगर इसका जो प्रेशर है यहाँ जो इस प्रेशर लगा रहा है प्रेशर को माना जा सकता है पी ए, इसको मान सकते हैं पी बी. तो पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए के. सेम यही चीज़ हेनरी ने भी बताया था कि लेकिन उन्होंने हेनरी जो बताया था वो क्या बताया था गैस के लिए बताया था. ये होता है लिक्विड और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल थे. अब इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो इसके यहाँ जो प्रेशर लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो था हेनरी लॉ. हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ दोनों सेम है. अंतर दोनों में क्या है कि हेनरी लॉ जो था वो गैस डिजॉल्विंग लिक्विड के लिए था, राउल्ट लॉ जो था लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड के लिए है. दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है फार्मूला दोनों का सेम है एक्स डायरेक्टली पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स और राउल्ट लॉ के भी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स. यहाँ पर पी वेपर प्रेशर प्रेशर है जो बाहर से ऊपर से लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर होगा लेकिन यहाँ जो प्रेशर है वो इसका वेपर प्रेशर होगा. दोनों में फ़र्क यह है. तो हमें पढ़ना है राउल्ट लॉ. किसी भी लिक्विड का जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है. इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं कि किसी वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है हिंदी में से राउल्ट लॉ को ये बोल किसी वाष्पशील द्रव का वाष्पदाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या फिर वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये हो गया फार्मूला इसका. अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और वो कांस्टेंट क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए. तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फार्मूला होगा पी नॉट ए ए इंटू एक्स ए. अब पी ए क्या है पी ए है ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए ऑफ मिक्सचर कह दे या फिर सोल्यूशन भी कह सकते हैं ऑफ ए सोल्यूशन ठीक है. और पी नॉट ए क्या है पी नॉट ए है ये भी वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है ये प्योर कंपोनेंट ए ये है पी नॉट ए. तो दोनों में अंतर है पी नॉट ए और पी ए में. पी नॉट ए क्या है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का और पी ए क्या है वेपर प्रेशर जब वो मिक्सचर में है. अब प्योर कंपोनेंट का इसका क्या मतलब हुआ ये बता देते हैं यहाँ पर दोबारा से. अगर ऐसे कोई लिक्विड है इस लिक्विड में सिर्फ ए कंपोनेंट है तो इसके सरफेस पे जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो सारे मॉलिक्यूल होंगे ए के. अब जब ये वेपर बनाएगा तो सिर्फ यहाँ पर ए के ही मॉलिक्यूल आएंगे और ए के मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर लगेगा वो उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं और वो प्रेशर कैसा होगा सिर्फ ए के कारण होगा ठीक है. तो ऐसे प्रेशर जो सिर्फ जब सोल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो ऐसे जब प्रेशर लगा रहा है तो इसको पी नॉट ए कहते हैं मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. शुद्ध अवयव ए का वाष्प दाब ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए. अगर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो ये होगा
चाहे वो ए रहा या फिर बी रहा। अब कोई ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसमें एक से अधिक कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है तो दो कंपोनेंट ही लेके चलेंगे इसमें, ए और बी। तो ए आपका इस तरीके से है और बी आपका ऐसे है, तो यहाँ सरफेस पे ए भी होगा बी भी होगा, दोनों के होंगे। अब जब दोनों हैं तो जब ये वेपर बनाएगा तो ए भी कुछ वेपर बनाएगा और बी भी बनाएगा, तो ए का वेपर ये बन गया, बी का वेपर ये बन गया। अब दोनों का बनाया, दोनों ही प्रेशर लगाएंगे, ये प्रेशर लगाएगा तो इस यहाँ इसके प्रेशर को बोलेंगे पी ए, क्योंकि ये कंपोनेंट ए है ये कंपोनेंट बी है, इसके प्रेशर को बोलेंगे पी बी। तो यहाँ पर ये पी नॉट ए होगा लेकिन यहाँ पे पी होगा, कि यहाँ पी ए मतलब कि वो मिक्सचर का मिक्सचर है, उसमें ए का कंपोनेंट है और उसका वेपर प्रेशर है। यहाँ पर क्या है वो क्या है, शुद्ध अवस्था में प्योर कंपोनेंट है, उसका वेपर प्रेशर है। अब इन दोनों में अगर रिलेशनशिप देखते हैं तो पी नॉट ए और पी ए में हमेशा और हमेशा पी नॉट ए की वैल्यू पी ए से ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ कंपोनेंट ए है तो ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर ए और बी दोनों हैं तो सिर्फ ए की अगर बात करते हैं ए का वेपर कम बनेगा, तो जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। इसलिए हमेशा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसके मिक्सचर से। तो ये हमें पता चला। अब राउल्ट्स लॉ दोबारा देखते हैं, तो राउल्ट्स लॉ का फार्मूला था पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कांस्टेंट लगा देते हैं तो कांस्टेंट ये होता है एक्स ए, ये आपका राउल्ट्स का नियम है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में एक से अधिक दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सोल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं दो कंपोनेंट हैं, तो अगर हम टोटल प्रेशर देखना चाहें, कंपोनेंट अगर दो हैं तो अगर हम टोटल प्रेशर देखेंगे पी टी, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ए के कारण जो प्रेशर लगा प्लस बी के कारण जो प्रेशर लगा टोटल प्रेशर हो जाएगा, दोनों प्रेशर को ऐड कर देंगे। ए के कारण जो प्रेशर लगा कंपोनेंट ए के कारण जो प्रेशर लगा वेपर प्रेशर, और कंपोनेंट बी के कारण जो, दोनों का एडिशन हो जाएगा टोटल प्रेशर। पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस, इसी तरह पी बी को कह सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हो गया आपका टोटल प्रेशर का फार्मूला। अब इसमें अगर हम दो कंपोनेंट हैं, अगर हम किसी एक ही कंपोनेंट से टोटल प्रेशर को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक्स ए प्लस एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन है दो है तो दोनों का योग वन के बराबर होता है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी। अब इसे इस फार्मूले पे पुट करेंगे और उसके बाद और हमें कंपोनेंट बी के रिलेशन में इसका मिल जाएगा, तो हम यहाँ दोबारा कर देते हैं इसी को यहाँ पर, तो हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले, तो इसका पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे एक्स बी को, तो दोबारा लिखेंगे पी नॉट ए और माइनस के साथ माइनस एक्स बी, अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए पहले, तो यहाँ प्लस हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला है टोटल प्रेशर का, तो इस फार्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब ये राउल्ट्स लॉ का फार्मूला हो गया, तो राउल्ट्स लॉ के लिए ये फार्मूला हो गया। अब राउल्ट्स लॉ में जो टोटल प्रेशर है किसी एक कंपोनेंट पर ही डिपेंड किया, और वो कंपोनेंट है कौन सा, बी, या फिर हम इसे सिर्फ एक कंपोनेंट पर भी डिपेंड करा सकते हैं। अब क्वेश्चन कराने के पहले एक ग्राफ है वो भी बता देते हैं आपको। अब
ये ग्राफ बनाना हमें जहाँ ऊपर की तरफ प्रेशर है, इधर की तरफ प्रेशर है, और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब ये कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट है एक्स ए और एक्स बी। अगर इस कंपोनेंट में ए की वैल्यू वन है, मतलब ए की वैल्यू अगर वन हो गया तो इसका मतलब जितना यहाँ पर सोल्यूशन में है वो पूरा का पूरा ए है, मतलब प्योर कंपोनेंट ए है। इधर से इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू घटते जाएगी और ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो एक्स ए की वैल्यू मान लेते हैं जीरो और उस समय एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर वन हो गया। तो अब ये जो बन गया ग्राफ, इस ग्राफ का मतलब है कि इस पॉइंट पर जो कंपोनेंट होगा सिर्फ ए होगा, बी नहीं होगा। यहाँ से इधर की तरफ यहाँ कहीं बढ़ें तो ए की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू एक से कम होगी और एक्स जीरो से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन बन गया, मिक्सचर मिल गया। जैसे जैसे बढ़ते गए आगे, इसकी वैल्यू घटते गई, इसकी वैल्यू बढ़ती गई। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बात करते हैं पी ए की, फार्मूला क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो अगर वेपर प्रेशर ए की बात करेंगे तो ये ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन वन है और उसके बाद इधर से इधर बढ़ते समय मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है ए का, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए का वन से जीरो हो गया, घट रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू घटने के साथ साथ ये वैल्यू घटेगी। तो इस पॉइंट पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वेपर प्रेशर पी ए यहाँ पर कहीं होगा और जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे ये वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किसका होगा, पी ए का। ये हो गया पी ए का ग्राफ। और ऊपर बना देते हैं पी ए इक्वल टू, लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए। अब दूसरा देखना हमें पी बी का ग्राफ। इसका फार्मूला होता है ये पी बी के लिए। अब इस पॉइंट पे अगर देखते हैं तो एक्स बी की वैल्यू जीरो, अगर एक्स बी की वैल्यू जीरो है तो पी बी की वैल्यू भी जीरो होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये वैल्यू वन है तो ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा और ये हो जाएगा कहीं ऐसा और इस पॉइंट पे बन जाएगा। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है किसका है, पी बी का है, पी नॉट बी एक्स बी। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो ये जो वैल्यू आया, ये ग्राफ जो आया, ये ग्राफ किसका होगा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर का, पी टी का, पी ए प्लस पी बी। अब इस ग्राफ से एक चीज़ ये हम देख रहे हैं कि पी ए की वैल्यू कम है, पी बी की वैल्यू ज़्यादा है, पी ए और पी बी, पी बी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये ऊपर तक गया, ये नीचे तक है, इसकी वैल्यू कम है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो दो लिक्विड हम लिए हुए हैं, जो सोल्यूशन में ए और बी, अगर दो लिक्विड लिए हुए हैं तो जो बी है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से पता चला। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो बी है वो ज़्यादा वोलोटाइल है। तो इससे पता चला कि कंपोनेंट बी इज मोर वोलोटाइल, बी इज मोर वोलेटाइल, मतलब जो बी है वो ज़्यादा वोलोटाइल है, मतलब ज़्यादा वाष्पशील है ए के कंपेयर में। तो ज़्यादा वेपर बनाया, ज़्यादा वाष्प बनाया, और ज़्यादा वाष्प बनाया तो इसलिए उसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये आपका है राउल्ट्स लॉ, और उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ ग्राफ, उसके लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको हम न्यूमेरिकल कराते हैं। इंटेक्स्ट का 2.8 का क्वेश्चन है, किताब का ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सोल्यूशन है जो ए और बी, जो ए प्लस बी से मिल के बना हुआ है, दो कंपोनेंट हैं ए और बी। अगर हम ए का प्योर वेपर प्रेशर देखेंगे, शुद्ध वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, बी का शुद्ध वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, और टोटल वाष्प दाब इतना दिया, मिक्सचर के बाद टोटल वाष्प दाब ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, एक्स ए और एक्स बी, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है।
ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पूछा है तो फार्मूला जो था वो लगा देंगे। अब इस फार्मूले को लेंगे यहाँ पे, इस फार्मूले से हमें एक्स बी की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल देते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। टोटल प्रेशर 600, पी नॉट ए की वैल्यू 450 माइनस एक्स बी, अब ब्रैकेट में लिख देंगे 450 माइनस 700, 450 माइनस 700। अब 450 माइनस ये हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आएगा, और यहाँ आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें, ये इतना जाएगा 250 एक्स बी। ये वैल्यू इधर की तरफ जाएगा तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 150। तो 150 इक्वल टू 250 एक्स बी। तो हमें एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 250। इससे ये कट गया, 5 से काटे 3 और नीचे 5, तो हमें जो एक्स बी है वो मिल गया 3/5। एक्स बी मिल गया हमें 3/5। अब हमें निकालना है एक्स ए, तो एक्स ए कितना आएगा, फार्मूला होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये वैल्यू पता है, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इधर चला गया, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2/5, ये मिल गया हमें दोनों वैल्यू। तो हमें सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालना था।